जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फॉर ग्रुप्स। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एसएससी जीडी 2021 की जो वैकेंसी आने वाली है, अप्रोक्सीमेट 85,000। उसमें बच्चे जो वैकेंसी को फिलअप करते हुए क्या क्या गलती करते हैं, क्या क्या सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, क्योंकि 85,000 बहुत बड़ी वैकेंसी है आपके लिए, आपके लिए सुनहरा मौका है। उसमें हम क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें बाद में पछताना ना पड़े, जो गलती बच्चों ने की थी, जो रह गए हैं, वो उन सबको सबक लेते हुए हमें ऐसा क्या करें कि हम 2021 की जो वैकेंसी है वो हम ले सकें। तो चलिए वीडियो, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है, कब ऑनलाइन होने वाले हैं, इसके एक ओवरव्यू हम छोटा छोटा एक ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेट 85,000 वैकेंसी आपकी आने वाली है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, एनआईए, अदर, इन सब में टोटल मिला के 85,000 वैकेंसी आने वाली हैं। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ ओपनिंग होगी, इसकी जो आप फिलअप कर सकते हैं, डेट इसकी होगी 25 मार्च 2021 से लेकर 10 मई 2021 का। फिर लंबा पीरियड है, इसमें आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, आप एग्जाम दे सकते हैं इसका 2 अगस्त 2021 से 25 अगस्त 2021 तक, ये आपका ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम देने का। उसके बाद आपकी हाइट 1.70 होनी चाहिए। अलग अलग वैकेंसी होंगी, स्टेट वाइज इसकी मेरिट निकलती है। निगेटिव मार्किंग पे अभी फैसला आना है, हो भी सकती है, मे भी नहीं भी हो सकती है। अगर हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेरिट थोड़ी डाउन। आपका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में देख लेते हैं दोस्तों। सिलेबस में होगा आपका सबसे पहले मैथ, हिंदी या इंग्लिश, जीके जीएस और रीजनिंग। टोटल 50 टोटल मिला के आपका हो जाएगा ये 100 नंबर का। 2 घंटे का आपका टाइमिंग होगा, इसको आप कवर कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप स्टडी। आज हम क्लियरली बता देते हैं कि इसमें आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहली गलती, पहला क्या नहीं करना है, पहला हमें करना नहीं है कि जब हम फॉर्म ऑनलाइन 25 मार्च से स्टार्ट करेंगे तो टोटली हम जो साइबर कैफे वाले होते हैं उन पे डिपेंड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखिए 2018 की वैकेंसी थी एसएससी जीडी की और वो आज पूरी हुई है। अभी कुछ के ज्वाइनिंग लेटर आ गए, कुछ के अभी भी लटके हुए हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि किसी के थंब इंप्रेशन गलत कर दिए साइबर कैफे वाले ने, किसी के सिग्नेचर गलत कर दिए, किसी की रिटर्न की मतलब लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ लॉट्स ऑफ मिस्टेक उसने की है। तो आपको ये नहीं करना है। वैकेंसी कितने टाइम बाद आई है आपके लिए सुनहरा मौका है। आपको वहां बैठना है कि भाई मेरा फॉर्म तो आप खुद भर के दे या मैं अपने ऑनलाइन भर लूंगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए फॉर्म फिलअप करते टाइम, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में कभी भी ऑल टाइम मैं अवेलेबल रहता हूं आप मेरे। बाद सेकेंड थिंग रहती है कि हम पोस्ट कैसे चॉइस करें। बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता है कि हमको पहले नंबर पे क्या रखना है, दूसरे नंबर पे क्या रखना है, तीसरे नंबर पे क्या रखना है, किस पोस्ट को किस तरह से मैनेज करें, कि सीआईएसएफ को पहले नंबर पे रखें या ना रखें, सीआरपी को पहले नंबर पे ना रखें। आंख मीचा और दे दबा दब, क्योंकि साइबर कैफे वाले पे डिपेंड रहते हैं। उसको जो मर्जी आया वो आपको थोक देता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके पास लोड्स ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट के फॉर्म रखे होते हैं और उसको उनको फिलअप करना होता है। उसको ये नहीं पता कि रामू का क्या है, पर शामू का क्या है, उसमें कोई मतलब नहीं है। उसको बस ऑनलाइन फिलअप कर देना है, आपसे पैसे ले लेने हैं 150, 200, 400 जो भी है, और उसे उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपको बैठ के साइबर कैफे के पास में उसे फिलअप कराना है। फिलअप कैसे कराना है, पहले नंबर एनआईए सीएसएसएफ, एनआईए एसएसएफ ये तो पहले दूसरे नंबर पे है ही, इसकी मेरिट बहुत ज्यादा हाई जाती है। आपको पहले दूसरे नंबर पे एनआईए और एसएसएफ रख लेना, क्योंकि एक स्पेशल फोर्स है और इनको हम एक रेस्पेक्ट की एक अच्छी सहूलियत इनको मिलती है, क्योंकि एक ये स्पेशल फोर्स इसको माना जाता है। तो पहले नंबर पे आपका एनआईए हो गया, दूसरे नंबर पे आपका हो गया एसएसएफ, तीसरे नंबर पे हो गया आपका सीआईएसएफ, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया में होती है और आपको ज्यादा हार्ड जॉब नहीं करनी पड़ती इसमें। आपकी फैमिली अपने पास रखते हैं। सबसे बड़ी जो बाद में परेशानी आती है बच्चों के सामने, जो एम्प्लॉय बन जाते हैं, जो अपॉइंटमेंट हो जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी आती है फैमिली एकोमोडेशन, जिसमें सबसे अच्छा हो, जिसमें आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं, वो आपके लिए सबसे बेटर होगी। क्यों, फैमिली घर पे है, आप बॉर्डर पे हैं, फैमिली बच्चे आपके परेशान हैं, ड्यूटी कर पाएंगे, जो भी जज्बा है ना, पहले फैमिली उसके बाद होता है सब कुछ, कहने के लिए कि भारत माता। लेकिन एक अगर आपका बच्चा घर पड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ टीस उठेगी। लेकिन अभी आपके पास चांस है कि आप उस पोज को चूज कर सकते हैं जिसमें आपको बेनिफिट है। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी से ऐसा बच्चा चाहिए ये एसएसबी।
एसएस भी आपकी अच्छा चाहिए, क्योंकि इंडो नेपाल, भूटान नेपाल, इंडो नेपाल और भूटान की बॉर्डर पर रहती है। इतनी हार्ड इसकी लोकेशन नहीं होती है, फैमिली एकोमोडेशन अच्छा है। थे नंबर पर चूज कर सकते हैं आप सीआरपीएफ। सीआरपीएफ क्यों? सीआरपीएफ जो होती है इंटरनल, अगर आपका 2 साल या 3 साल के बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है, और ये अधिकतर जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है उसमें इसको इसकी सेवाएं हम लेते हैं, क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर पे रहती है। कभी भी आपने इंटरनल नहीं देखा होगा, उसका जो जिम्मा है वो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, और बॉर्डर पे ही उसका सारा कुछ दारोदार, उसका सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बॉर्डर की रहती है। तो वो आप बहुत कम चांसेस रहेंगे उसमें फैमिली रखने की है वहां पे एकोमोडेशन, टेकनपुर में अदर भी हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस उसमें बनते हैं आपके। तो मेरे हिसाब से इसको तो बाद में रखेंगे, तीसरे चौथे पांच चौथे नंबर पे आप रख सकते हैं सीआरपीएफ, क्योंकि इंटरनल भी रहती है और बाहर भी रहती है, तो कभी ना कभी फोर्स के टाइम पे आपको चांस मिल जाएगा कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आप फैमिली नौकरी गुजार सकते हैं। और फैमिली के साथ अगर आपने 10-15 साल नौकरी गुजार ली, तो फौज में कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा लकी पर्सनल है कि आपने फैमिली के साथ अपनी नौकरी बिताई बिताई है, और आपको पता नहीं चलेगा कि आपने नौकरी कैसे निकाल दी। सबसे बड़ी मेंटली जो परेशानी होती है वो फैमिली की होती है। क्यों? क्योंकि आप बॉर्डर पे हैं, फैमिली वहां परेशान है, आपके बॉर्डर पे आपकी जमीन किसी ने, दबंगों ने कब्जा लिया है। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, मौका है। मेरे हिसाब से माने तो पहले पे आपकी होगी एनआईए, दूसरे पे आपकी होगी एसएसएफ, तीसरे पे होगी आपकी सीआईएसएफ, चौथे पे होगी आपकी एसएसबी, पांचवे पे हो जाएगी आपकी सीआरपीएफ, छठे पे किसको रखें? छठे पे रखिए आप आईटीबीपी को। फौज सारी अच्छी है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, फौज सारी अच्छी है। आपको सारी ही फौजों के अंदर अपने जो देश के प्रति जो आपकी लगन है, आपके जज्बा है, उसको पूरा करने का वो सब सब में मौका मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ अपने परिवार को भी देखना है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारी निभानी है। आप किसी के बेटे होंगे, भाई होंगे, या और अदर भी रिलेशन हमको निभाने हैं, तो जिसमें आपको सहूलियत होगी उसको आप मेरे अकॉर्डिंग टू मी प्रिफेयर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। उसके बाद सीआरपी की बात कर ली, आईटीबीपी, आईटीबीपी को आपको प्रिफेयर करना है। आईटीबीपी के बाद आपको देना है बीएसएफ, बीएसएफ के बाद, क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर गार्डिंग है, उसके भी पॉइंट कुछ परसेंट आप मान के चले, बहुत कम होता है उसका कि आपको सिटी में आपको मिल जाए, लेकिन उसमें भी बरेली में भी है आपकी, ये है लेकिन बहुत कम है। सबसे लास्ट में रखना है आपको असम राइफल को, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के नहीं हैं तो। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसका सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, लेकिन असम राइफल का हेडक्वार्टर शिलोंग में है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर नहीं है। उसमें क्या फैसिलिटी? उसमें फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, कैंटीन की फैसिलिटी, अदर फैसिलिटी, बियर बाइंग या दारू की फैसिलिटी, और सहूलियत बहुत ज्यादा है अदर देन पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जैसे सीआरपी, एसएसबी, बीएसएफ, इनको छोड़ दें तो असम राइफल में फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, फैमिली एकोमोडेशन बहुत अच्छा है वहां पे, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में ही शिफ्ट होना पड़ेगा आपको। बहुत कम ऐसा होगा मौका मिलेगा कि आप अपने रीजन में आएंगे, क्योंकि यहां पे असम राइफल है ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में आपकी है, तो आपको वहीं पे शिफ्ट होना पड़ेगा अपने पूरे परिवार को। वरना छुट्टी कितनी मिलती है आपको? 60 दिन EL, 15 दिन CL। मैं बोल रहा हूँ 60 दिन EL, 15 दिन CL, कितना अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब ऑन ग्राउंड जाते हैं ना, घर पे कोई फंक्शन या कुछ होता है और वहां से नहीं आ पाते, या इनफ होती है इतनी छुट्टी, तो फिर दुख होता है। इसलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूं कि फॉर्म भरते टाइम ये गलतियां ना करें, कि जिससे कि आपको पछताना पड़े। सबसे कम जो मेरिट जाती है वो असम राइफल की ही जाती है, इसीलिए जाती है क्योंकि वहां पे बच्चा नहीं जाना चाहता। मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूं इस चीज को लेकर कि ये गलतियां ना दोहराएं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है इन सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में, पहले तो मैंने इनके ऊपर वीडियो बना दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर उसके बाद भी आपको कुछ जानना है इनके बारे में, तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं उसको मीटअप करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की हम जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।